4, 3, 2, 1, 0. Turn on zombie apocalypse. तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज तो मेरा फर्स्ट ट्रेवल मुकामा टू पटना। तो यहाँ पर दिखा रहे अभी मुकामा स्टेशन पर मैं बैठा हूँ, ट्रेन के अंदर भी आ गया। काफ़ी दिक्कत के बाद अभी जा रहे फर्स्ट ट्रेवल करने के लिए पटना। पटना एक्सप्लोर करेंगे, पटना के अंदर घूमेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे साथ, देख लेना। ये मुकामा स्टेशन, और फिर देख लो पूरा नज़ारा, इधर भी आगे देख लो। तो अभी तो फिलहाल ट्रेन खुली नहीं, ट्रेन खुलेगी तो हम लोग चलेंगे पटना। पटना का मैं आपको दिखाऊंगा फुल नज़ारा, तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, ट्रेन तो खुल गई, अब चल रहे हैं पटना, मुकामा टू पटना। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं बख्तियारपुर। तो ये बख्तियारपुर जंक्शन, यहाँ अभी तो मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल। अभी आगे पटना भी है, अभी राजेंद्र नगर भी आपको दिखाना है, क्योंकि वहां अभी छात्र आंदोलन चल रहा है ना, तो जाम भी लगा हुआ रह सकता है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा राजेंद्र नगर। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर ले रहे। चल रहे हैं बख्तियारपुर से पटना। यहाँ पे ट्रेन रुकी थी, हो गया ट्रेन रुकने का कार्य। अब चलते हैं पटना, मिलते हैं आपसे आगे पटना। अभी तो फिलहाल पहुँचे थे पटना सिटी। तो ये स्टेशन अभी यहाँ पे तो सेंट मारा गया है, और यहाँ पे से सेंट मारने के बाद जब आगे आप चलेंगे तो आगे मैं आपको फिर दिखाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो का शूट ना करें, थोड़ा वीडियो देखें। तो अभी तो फिलहाल नहीं होते हैं। तो वैसे अभी तो फिलहाल ट्रेन खुल चुका है, ट्रेन खुलने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा, मैं दिखाता हूँ आपको स्टेशन। तो ये है पटना सिटी, तो ये है स्टेशन। अभी यहाँ से ट्रेन खुली है, अभी हम लोग पटना पहुँचेंगे। राजेंद्र नगर भी अभी आपको दिखाना है, जो राजेंद्र नगर में छात्र आंदोलन हो रहा था वो भी दिखाना है। वहाँ पर अभी जाम नहीं लगा हुआ, इसलिए ट्रेन आगे जा रही, नहीं तो ट्रेन आगे नहीं जा रही। तो पहुँचे वहाँ, वहाँ भी आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये पंजाबी बहुत बड़ा यहाँ पे बना के रखे हैं ना, पटना सिटी का ये है निशान। तो आप जब भी आए तो ये देखें, आपको ये दिखी जाएगा, देख सकते हैं। ये है राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर स्टेशन। यहाँ पे आज के दिन कोई भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन होना था 26 जनवरी को वो नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं राजेंद्र नगर स्टेशन कितना ज़्यादा खाली खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा कम है। राजेंद्र नगर में ट्रेन आ रही है और जा रही है, कल शाम से ही है। तो ये झूठ का अफवाह फैलाया गया था कि नहीं हो रहा अब अगर। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो बने रहे हमारे वीडियो साथ, आपको मैं आगे भी दिखाऊँ। ये है राजेंद्र नगर स्टेशन, यहीं का आपको फ़ोटो भी दिखाया गया था, जो कि जब आंदोलन हुआ था तब का। अब कुछ ऐसा नहीं है, आज के दिन भी अफवाह फैलाया गया था 26 जनवरी को होना था, लेकिन आज कुछ नहीं है। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल आप देख सकते हैं, आपको ये दिखा दूँ। ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो आप देखें यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा के स्टूडेंट लोग। तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें। और आज 26 जनवरी का दिन भी है, जो पोस्टर बना के जो दिया गया था कि 26 जनवरी की राजेंद्र नगर जाम रहेगा, और भी काफ़ी जगह जाम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा राजेंद्र नगर दिखा रहा हूँ, इधर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ट्रेन आगे बढ़ के रुकी है, सब लोग उतर भी रहे हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप आवागमन कर सकते हैं। ये सब झूठी झूठ का अफवाह था, झूठा अफवाह। दोस्तों इस पर ध्यान ना दें, आप आएँ और जाएँ।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, ये वीडियो ज़्यादा देर का नहीं है, एक मिनट से भी कम का ये वीडियो है। तो अभी इधर से काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे थे, ये ट्रेन से मैं भी आया हूँ और अभी मैं आपको यहाँ नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ऐसे ये देखो, ये पटना जंक्शन का नज़ारा है, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। उस समय तो नहीं दिखा पाया था क्योंकि मामा आ गए थे तो बाइक पे बैठे और चले गए वापस। अभी फिर से आए घूमने के लिए, जंक्शन भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये महावीर मंदिर और ये बाहर जाने का रास्ता, वो पुराना रेल, वो ब्रिज आप लोग तो अक्सर देखे होंगे पटना जंक्शन। ये देख लो, बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थंबनेल में भी रहेगा, वो भी देख लेना। अंदर तो अभी गए हैं महावीर मंदिर। तो गाइस इतना है तो घूम लिया, काफ़ी ज़्यादा दूर में आ गया हूँ घर से, तो अब चलना चाहिए वापस, लोगों को टेंशन हो जाता है। तो देख लो ये महावीर मंदिर कितना ऊंचा ये मंदिर है।